गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर आपको अपने गार्डन की सैर कराएंगे। ये देखिए, यहाँ पे घिया दोरी लगा हुआ है और छोटी छोटी घिया दोरी भी इसमें दिख रही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, छोटी छोटी घिया दोरी लगना शुरू हो गई है। ये देखो, बड़ी घिया दोरी तैयार हो गई है हमारे यहाँ। साथ में ये यूनिक बेल है, तरड़ी की बेल जो हम लोग कहते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे अभी सब्जी लगना शुरू हुआ है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे इसमें सब्जी आती है। ये इधर छोटे छोटे भी लगना शुरू हुई है, अभी तरड़ी की बेल कहते हैं हम इसको। साथ में ही आप देखिए, शिमला मिर्च लगाई थी, थोड़ी ख़राब हो गई है। और ये हमारा बहुत ही सुंदर पौधा है, आप लोग होपफुली इसको गैस नहीं कर पाएंगे। ये है हडजोड़, हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका रस सेवन होता है आयुर्वेद में, उसको हम हडजोड़ कहते हैं। साथ में ये हमने छोटी वैरायटी लगाई है केले की, ये छोटा रहता है पौधा, आप देख सकते हैं गमले में ये पौधा कितना बड़ा हो गया। और ये मेरी तोरी के बेल पूरी भर गई है। साथ में यहाँ आए देखिए, झंडी भी लगाई है हमने, घिया लग रहा है और पूरा हरा भरा गार्डन हमारा। ये गुलाब के लिए हैं, ये सावनी का पौधा है, इसकी मैंने अभी भी कटिंग करी है। सामने ये गुलमोहर है, ये हमारा ऑरेंज कलर का गुलमोहर, ये हमारा गुलाबी कलर का गुलमोहर। तो बहुत ही सुकून मिलता है इस गार्डन तैयार करके। ये हमने एक बैंगन लगाया हुआ है, तो देखिए इसमें भी अभी सब्जियाँ, ढेर सारी सब्जियाँ आना शुरू हो गई। ये बहुत ही बढ़िया मेरा एक गमला है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं। देखिए ये नीचे तक कितना लंबा चला गया है और ये सुंदर लगता है बहुत, ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहा है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है हरा भरा रहने का। सामने कनेर लगा हुआ है, पीला कनेर, सामने ये सफ़ेद गुलमोहर, ये हमारी हरी भरी वाटिका है। आप भी ऐसे अगर एक एक गमला भी, दो दो गमले भी हर सीज़न तैयार करेंगे तो बीच में चार पांच सब्जी आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं। और किचन वेस्ट से ही ये सब हम लोग जल्दी में किचन वेस्ट से, देखिए सामने किचन वेस्ट से जो खाद तैयार कर रहे हैं उसके लिए जो कंटेनर्स हैं, तो किचन वेस्ट से ही सब तैयार होता है। तो ये अंगूर भी है साथ में लगे, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग। ये हमारा कड़ी पत्ता, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।